पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर पे दर्शन करने के लिए। और हमारे भाई अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, तो देख लो हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे ऐसी इस हेलो गुड मॉर्निंग, आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं शाम रात को निकल गया था, तो आपको मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। तो हम मेरे पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर पे दर्शन करने के लिए। और हमारे पूरा फैमिली है, हम 6 गाड़ी ले कर निकले हैं, तो सभी गाड़ी पीछे है। और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है, अभी हम रास्ते में है। और अभी इंदौर यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर दूर है। तो गाइस हम कुछ इस तरह की जगह पे पहुँच गए हैं, और हमारा दो गाड़ी तीन गाड़ी जा रही है, दो तीन, और ये हमारा सनराइज होते हुए। तो अब हम कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच गए हैं, तो अभी हम जाने वाले हैं आगे। तो गाइस अभी हम दाहोद पहुंच गए हैं, और ये आप देख सकते हो दाहोद का रोड हाईवे है। और यहाँ पे हम रात को 9:30 बजे निकले थे हम सभी लोग, और यहाँ पे दाहोद पहुंचते सुबह के बज गए हैं अभी 6:17। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है। तो गाइस तो अब हम कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच गए हैं, और हम चाय पानी के लिए रुके हुए हैं। तो अभी ये होटल पे रुके हैं, JJ 36 मोरबी रेस्टोरेंट पे। तो चाय पानी मैंने बोला था कि अभी हम रुकने वाले हैं, तो अभी चाय पानी पिएंगे और बाद में यहाँ से निकलेंगे थोड़ा आगे, और आपको सामने का नज़ारा भी दिखाता हूँ कि कैसा है। देख लो सामने पहाड़ी पे पेड़, और यहाँ पे खेत है, और सामने बहुत ही बढ़िया मस्त एक पेड़ भी है, शायद वो आम का ही पेड़ है। तो गाइस हमने चाय वाई पानी पी लिया है, तो अभी हम निकल चुके हैं उज्जैन की ओर। यहाँ से 150 किलोमीटर है उज्जैन, तो अब हम जा रहे हैं ऑन द वे है। और यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है, बहुत ही बढ़िया, देख लो। और मेरा चाचा का लड़का मेरी बाजू में बैठा है, वो भी नाश्ता कर रहा है, देख लो उसको भी भूख लगी है। तो क्या खा रहे हो रोहन? साबूदाना और सिंग। तो गाइस अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं, तो ये हमारी पूरी की पूरी फैमिली की कार है, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 6। तो सभी लोग नाश्ता लेके आ रहे हैं, आधे लोग नाश्ता लेके इधर पहुंच गए, इधर हम बैठे गए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे कुछ खेती है इस तरह की, तो बहुत ही मस्त नज़ारा है, ये आम का पेड़ है पूरा। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे और बाद में जाएंगे आगे। अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, तो देख लो हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे ऐसी इस तरह से कुछ बैठी है। अभी जो जो जोन जोन से नाश्ते लेके आए वो सभी अभी खोलेंगे, और बाद में सब एक दूसरे का नाश्ता बटेगा, और बाद में हम नाश्ता करेंगे। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया, और हमारे फिर से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। पहली गाड़ी यहाँ पे है, बाकी सब लाइन में, सब बैठ गए अपनी अपनी गाड़ी में। तो अभी हम जाते हैं आगे हमारे डेस्टिनेशन पे, तो चलो मिलते हैं आगे रोड पे। तो गाइस हम अब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले है थोड़ी देर के बाद। अभी हम हमारी डेस्टिनेशन के ओर जा रहे हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए। अभी हम पहुंच गए हैं कुछ इस तरह की जगह पे, हमें रेलवे फाटक है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से उज्जैन शायद 12-13 किलोमीटर दूर है, तो अभी रेलवे क्रॉसिंग है, तो रेलवे क्रॉसिंग के बाद हम जाएंगे। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं, हमारी दो या शायद तीन गाड़ी आगे निकल गई और तीन गाड़ी पीछे है, तो अभी रेलवे क्रॉसिंग करके जाएंगे। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, और अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, तो आपको भी दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम फाइनली
उज्जैन पहुंच गए हैं, तो अभी सभी एक साथ गाड़ी सब फैमिली साथ में मिलेंगे और आगे पीछे हो गए थे इसीलिए, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम एक साथ हो गए, तो थोड़ी देर के बाद हम आगे जाएंगे सिटी में, तो अभी होटल वगैरह ढूंढेंगे, रखेंगे रूम वगैरह, तो उसके बाद हम फ्रेश होएंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, तो रेस्ट करके हम जाएंगे फिर महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन में। तो गाइस अभी हम सिटी में अंदर जाने वाले हैं, तो जा रहे हैं अभी और वहाँ पे होटल रखेंगे, तो अभी हमारी सब गाड़ी, एक गाड़ी आगे है, मेरी गाड़ी पीछे है और मेरी सारी गाड़ी हमारे पीछे है सब, तो अभी हम होटल वगैरह रखेंगे आगे। अभी यहाँ पे कुछ साइट सीन वगैरह है, तो अभी यहाँ पे बन रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है नज़ारा, देख सकते हो आप, ये मंदिर है शायद, यहीं पे हमको जाना है, वो सामने देख लो, बहुत ही नज़ारा अच्छा है, और हमको भारत माता का मंदिर आप देख सकते हो सामने, अभी वो उसका भी रिनोवेशन काम चल रहा है। अभी यहाँ पे म्यूजियम भी बना हुआ है, तो देखेंगे हम चालू हो गया होगा तो चलो मिलते हैं अभी आगे, तो देख लो ये नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं, हम तो हमारी गाड़ी सामने पार्क कर दी है और ये सामने मंदिर है वो सामने, तो अभी हम होटल रख ली है, तो होटल पे जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होके हम जाएंगे फिर से दर्शन करने के लिए, तो अभी हम थोड़ी देर आराम भी करेंगे और बाद में फ्रेश होकर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हमको सामने, हमारी सामने वाले रोड पे हमारी होटल रखी है, तो हम वहीं पे जाएंगे। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हमारे रूम में, होटल रख ली है, ये हमारा रूम है, तो ये बेड है, छोटा सा रूम है, ये वॉशरूम है और ये सामने मिरर है, तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे, फ्रेश हो गए और 6 बजे जाएंगे हम दर्शन करने के लिए। तो गाइस जब हम फ्रेश हो गए हैं, नहा धो के तैयार रेडी हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए मंदिर पे, तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और ये मेरा फ्रेंड है, वो भी साथ में आया है, तो वो भी रेडी हो चुका है, तो हम दोनों नीचे आ गए हैं, तो अभी थोड़ी देर में सब नीचे आएंगे और नीचे आके सब एक साथ में जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो गाइस हमने ई रिक्शा कर लिए, तो 6-7 ई रिक्शा करनी पड़ी है, हमको 30 आदमी थे, तो सभी अलग अलग है, तो ये हमारे कजिन ब्रदर इधर है, तो हम चार लोग पीछे बैठे हैं ई रिक्शा में, तो ये सब है और हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, और आपको दिखाता हूँ वो सामने दिख रहा है वही मंदिर है, वहीं पर जाएंगे हम घूमने और दर्शन करने के लिए। बीच बाजार में हाथी आ गया था, तो हमारी ई रिक्शा रुक गई थी। तो गाइस अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे शहर के सामने से एंट्रेंस है, तो इस साइड से हमको मंदिर जाना है। तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे प्रसाद आता है, तो ये प्रसाद की देख लो, तो ये महाकाल का यहाँ पे मंदिर है, तो हम आगे जाएंगे। तो चलो हम आगे जाते हैं। तो हमने एंट्री ले चुकी है और अभी आरती का समय चालू है, तो अभी हम आरती भी शायद ले पाएंगे, तो ले लेंगे आगे जाके, और ये मेरा चाचा का लड़का है, उसने भी प्रसाद ले लिया है, तो चलो मिलते हैं आगे, कुछ इस तरह की जगह है यहाँ पे अंदर। Oh, hey!
गाइस हम फाइनली मंदिर के पटांगन में पहुंचने वाले हैं और सामने दिखाई दे रहा है वो मंदिर है। अभी थोड़ी सी लाइन है और यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसी वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी दर्शन करके बाद में मिलते हैं। तो ये देख लो सामने मंदिर है और ये ट्रैफिक भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने तिलक लगा लिया है और धागा भी बांध लिया है अच्छा। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर है, ये महाराज जी के पास हमने पूजा करवाई है। या पीछे शिवलिंग है तो यहाँ से आपको दर्शन करवा देते हैं। नौ ग्रह की शिवलिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ही आप दर्शन कर लो क्योंकि अंदर आपको जगह नहीं है। गाइस हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं और अभी हमें आगे मंदिर में आए हैं। तो अभी ये मंदिर में आए हैं, देख लो यहाँ से वो सामने मंदिर है। सभी अभी छोटे छोटे अलग अलग बढ़िया मंदिर है। अभी हम फाइनली दर्शन कर चुके हैं और साइट सीन भी देख लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं फिर से बाहर, और बाहर जाके क्या प्लान है वो कुछ डिसाइड नहीं है। तो अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो अभी आगे जाके मिलते हैं। और हम हरसिद्धि माँ का मंदिर पे आ गए हैं तो यहाँ पे दर्शन करेंगे हम। तो अंदर जा रहे हैं और वहाँ से हम आए सामने से मंदिर है और यहाँ ही बगल में ही है हरसिद्धि माता का मंदिर है। तो आगे है तो अभी जाएंगे अंदर। यहाँ पे दिया जलता है पूरा स्तंभ में, दोनों स्तंभ में। तो हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आ चुके हैं। तो हमारा पूरा सामने दो पूरा फैमिली बैठा है, यहाँ पे मेरा मम्मी पापा बैठे हैं और ये कुछ इस तरह का सब्जी और रोटी गुजराती का वाला खाना मंगाया है। तो खाते हैं और बाद में मिलते हैं, चलो। तो फाइनली हमने खाना खा लिया है और हमारी रिक्शा वो निकल गई है। ये रिक्शा में आज देखे हैं फिर से। तो हमने इस होटल में खाना खाया था, तो अभी हम जा रहे हैं हमारी होटल पे। तो मिलते हैं अभी होटल पे। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम होटल पे पहुंच गए। खाना पीना होके कंप्लीट हो चुका है सब। तो हम सब लोग फिर से वापस होटल पे आ गए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करने का समय आ गया। तो आज का वो व्लॉग आपको कैसे लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय।